गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 7 चैप्टर 4 द टर्निंग पॉइंट, नया मोड़। व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब अब्दुल कलाम कॉलेज में गए, ही टुक फिजिक्स, तब उन्होंने फिजिक्स लिया। व्हेन ही वेंट टू इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ही वेंट टू इंजीनियरिंग करने के लिए गए। देयर ही टूक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया। व्हेन ही वेंट टू इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नामक विषय चुना। Thus his life was transformed as a rocket engineer, aerospace engineer and a technologist. इस प्रकार से उनका जीवन रॉकेट इंजीनियर के रूप में, एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में और एक टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया। इस प्रकार से अब्दुल कलाम का लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड, उनका जीवन जो है बदल गया, किस रूप में, एज ए रॉकेट इंजीनियर के रूप में, एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट, और एक टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में अब्दुल कलाम का जीवन बदल गया। मेथड ऑफ आईएएस टीचिंग एनकरेज्ड अब्दुल कलाम टू आस्क क्वेश्चंस, उनके टीचर अय्यर के अध्यापन के पढ़ाने का तरीका अब्दुल कलाम को प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज्ड किया, प्रोत्साहित किया। मेथड ऑफ अय्यर टीचिंग, अय्यर के पढ़ाने का तरीका अब्दुल कलाम को टू आस्क क्वेश्चंस, किस चीज़ के लिए उत्प्रेरित किया, प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज्ड किया, प्रोत्साहित किया। ही टॉट कलाम बाय शोइंग द विजुअल एग्जाम्पल्स, अय्यर ने कलाम को विजुअल एग्जाम्पल्स दिखा करके पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, कलाम को विजुअल एग्जाम्पल्स, दृश्य उदाहरण या दिखाओ उदाहरण को दिखा करके अब्दुल कलाम को अय्यर ने पढ़ाया। विजुअल एग्जाम्पल्स विच प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और ये विजुअल एग्जाम्पल्स उनके जीवन में एक नया मोड़ साबित हुए। विच प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और ये विजुअल एग्जाम्पल्स प्रूव्ड साबित हुए टू बी टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ इन हिज लाइफ उनके जीवन में। इट वॉज मिस्टर अय्यर थे हु अलाउड द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, मिस्टर अय्यर ही थे जो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देते थे। ही आंसर्ड देयर क्वेश्चंस, वह उनके प्रश्न का उत्तर तब तक देते थे अनटिल दे अंडरस्टूड प्रॉपरली, जब तक कि छात्र उसे प्रॉपरली उचित ढंग से नहीं समझ जाते थे। ही आंसर्ड देयर क्वेश्चंस, अय्यर उनके प्रश्नों का जवाब तब तक देते थे जब तक कि छात्र उसे अच्छी तरह से नहीं समझ जाते थे। इन दिस वे ही इंस्पायर्ड देयर यंग माइंड्स, और इस प्रकार से उनके शिक्षक ने उनकी युवा मस्तिष्क को प्रेरित किया। इन दिस वे, और इस प्रकार ही इंस्पायर्ड देयर यंग माइंड्स, इस प्रकार उनके शिक्षक ने उनके युवा मस्तिष्क को प्रेरित किया। ये रहा आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आप अपना बुक कॉपी खोलेंगे, चैप्टर 4, डेट डालेंगे अगस्त 18, और चैप्टर 4 का नेम लिख लीजिए द टर्निंग पॉइंट। पहला, राइट ट्रू और फॉल्स, मिस्टर अय्यर अलाउड स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, मिस्टर अय्यर छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देते थे, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा, ही टॉट अब्दुल कलाम बाय शोइंग द विजुअल एग्जाम्पल्स, उनके शिक्षक ने अब्दुल कलाम को विजुअल एग्जाम्पल्स, दृश्य या दिखाओ उदाहरण दिखाकर पढ़ाया, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है।
तो आप डेट यहाँ से आप यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब्दुल कलाम वेंट टू कॉलेज एंड टुक फिजिक्स। अब्दुल कलाम कॉलेज गए और वहाँ उन्होंने फिजिक्स लिया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फोर, हीज विजुअल एग्जाम्पल्स प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन कलाम्स लाइफ। उनके टीचर द्वारा दिखाए गए विजुअल एग्जाम्पल्स कलाम के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ साबित हुए, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो आप 3, 4 लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। फाइव, आयर आंसर देयर क्वेश्चंस अंटिल दे वर अपसेट। आयर उनके प्रश्नों का उत्तर तब तक देते थे जब तक कि बच्चे परेशान न हो जाए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इसको आप लिख लेंगे, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू कॉलेज व्हिच सब्जेक्ट डिड ही चूज। जब अब्दुल कलाम कॉलेज में गए तो उन्होंने कौन सा विषय चुना। आंसर, व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू कॉलेज ही चोज फिजिक्स, तब उन्होंने फिजिक्स चुना। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने के लिए गए, विच सब्जेक्ट डिड ही चूज देयर, तो वहाँ पर उन्होंने कौन सा विषय चुना। आंसर, ही चूज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नामक विषय चुना। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर अय्यर टीच अब्दुल कलाम। मिस्टर अय्यर अब्दुल कलाम को कैसे पढ़ाए। आंसर, मिस्टर अय्यर टॉट अब्दुल कलाम बाय शोइंग द विजुअल एग्जाम्पल्स। विजुअल एग्जाम्पल्स दिखाकर मिस्टर अय्यर ने अब्दुल कलाम को पढ़ाया। फोर, हु अलाउड स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को अनुमति कौन देता था। आंसर, मिस्टर अय्यर अलाउड हिज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। मिस्टर अय्यर अपने छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देते थे, अलाउड करते थे। तो आपको 3 और 4 लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आपका है तीसरा, मेक सेंटेंस, वाक्य बनाइए। पहला, इनकरेज, माय टीचर एनकरेजेज मी टू वर्क हार्ड। एनकरेज, मेरे शिक्षक मुझको कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर टू, एग्जाम्पल्स, माय टीचर एक्सप्लेन्ड दिस चैप्टर विद मैनी एग्जाम्पल्स। अनेक उदाहरणों से मेरे शिक्षक ने इस चैप्टर को समझाया। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, अंततोगत्वा या अंत में।
इवेंचुअली मोहन लॉस्ट द केस, अंत में मोहन मुकदमा हार गया। फोर, इंस्पायर, अ टीचर कैन इंस्पायर अ लीडर, अ लीडर कैन इंस्पायर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के नागरिकों को एक नेता प्रेरित कर सकता है। अ लीडर कैन इंस्पायर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, देश के नागरिकों को एक नेता प्रेरित कर सकता है। अलाउ, अनुमति देना, माई मदर अलाउड मी टू आस्क क्वेश्चंस, मेरी माँ ने प्रश्न पूछने की अनुमति मुझे दी। तो आप इवेंचुअली, अंत में, इंस्पायर, प्रेरित करना, अलाउ, अनुमति देना, तो वाक्य प्रयोग में एक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जितना ट्रू फॉल्स करवाया हूँ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स और मेक सेंटेंस, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, ट्रू फॉल्स को समझना है, मेक सेंटेंस को भी समझने की कोशिश करनी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर, यू जो टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने, दैट्स ऑल।